दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और बधाई खुशखबरी के साथ। खुशखबरी यह है कि 2022 में लगभग 2,21,000 नौकरियां मिलने वाली है बिहार में। इतने पदों पर वैकेंसियां आने की संभावनाएं हैं। किस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं ये हम लोग पूरे विस्तार से देखेंगे, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आप 67वीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि जो लोग हमारे होमवर्क सीरीज में भाग नहीं लिए थे उनको भाग लेने का एक अच्छा मौका है। तीसरा होमवर्क सीरीज का बैच 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 60 से 75 दिन तक चलेंगे और इसमें आपको होमवर्क के साथ साथ आपको रिविज़न भी कराया जाएगा, ठीक है। और साथ साथ आपको 15 टेस्ट भी मिल जाएगा आपको। और ये कम्प्लीटली आपको 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। अभी आप अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो 270 रुपीज़ इसको अभी पे करना होगा, ठीक है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको जीएस आज तक के मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्रभात खबर के आज का न्यूज़पेपर है। ये 1 जनवरी 2022 प्रभात खबर है, जिसमें स्पष्ट है कि 2,21,000 से अधिक नौकरियों मतलब अधिक होगी नियुक्तियां, और सबसे अधिक जो है वो शिक्षक की नियुक्तियां होगी, शिक्षक के पदों पर नियुक्तियां होगी। छठा चरण में 45,000 प्राथमिक स्कूल के शिक्षक, ठीक है, और छठे चरण में 32,000 शिक्षक प्लस टू और हाई स्कूल में। सातवें चरण में 1,00,000 से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति होगी, ठीक है। इसके अलावा 46,927 पदों पर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए बीपीएससी को भेज दिया गया है, पदों की रिक्तियां भेज दिया गया है। बीपीएससी इसकी बहुत जल्द नोटिफिकेशन निकालेगी। 8,000 से अधिक शारीरिक शिक्षक की बहाली होनी है, और वहीं पे 4,500 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहाली होनी है। मतलब शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ आने की संभावना है। मतलब राज्य के युवाओं के लिए 2022 जो है वो खुशियों भरा होगा, ठीक है। और 7 विभागों में लगभग 2.25 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां होनी है। तो आपने देख लिया है शिक्षा विभाग। वहीं पर अगर देख लिया जाए पर्यटन विभाग के, तो पर्यटन विभाग में इको पर्यटन संभाग में की स्थापना होगी और लगभग 224 पदों पर नियुक्तियां होगी। वहीं कृषि विभाग की देख ले तो 1500 नियुक्तियाँ होगी। फिर 856 प्रखंड कृषि पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। फिर आप 354 कृषि समन्वयक की नियुक्ति होगी। 141 रसायन विंग के सहायक की नियुक्ति होगी। 109 प्रक्षेत्र सहायक की और 14 सांख्यिकी स्मरण की। इसके बाद पुलिस विभाग में आप देखेंगे तो 9,000 सिपाही है और 2,216 दरोगा। ये रिक्तियां आनी है। आपको ये बता दे कि 2,200 ये रिक्तियां जो भी है वो रिक्तियां आनी है। मतलब 2,216 2,000 प्लस जो दरोगा की रिक्तियां हैं वो आपको 2022 में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मतलब 2022 में आप फिर से दरोगा पीटी परीक्षा दरोगा की परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो ये अच्छी खबर है। और साथ साथ राजस्व विभाग भूमि सुधार विभाग में देखें तो 6,500 पदों पर नियुक्ति होनी है। 4,353 राजस्व कर्मचारी, ठीक है। फिर वहीं देखेंगे तो 2,000 विशेष पर्यवेक्षक अमीन की नियुक्ति होनी है। अमीन की नियुक्ति जो है वो रद्द कर दी गई है हाईकोर्ट के द्वारा, तो इस पर फिर से नियुक्तियां आएगी। वहीं पे आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में 3,270 आयुष चिकित्सक की नियुक्ति होनी है और वन विभाग में 291 पदों पर नियुक्ति होनी है। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि बीपीएससी और इंटर स्तरीय पदों पर जो नियुक्ति होगी उससे अतिरिक्त है, उससे अलग है। बीपीएससी के माध्यम से भी कई सारी नियुक्तियाँ होती है, ठीक है। और बीपीएससी के माध्यम से 68वीं बीपीएससी जून जुलाई तक आने की संभावना है, ठीक है, जून जुलाई तक आएगी। वहीं पे आपको मालूम होना चाहिए कि बीएसएससी सीजीएल CGL 3 ये जनवरी में आने की संभावना है। वहीं पे बीएसएससी इंटर लेवल, ठीक है, इंटर लेवल सेकेंड, यह भी जनवरी में आने की संभावना है। तो इन सभी पदों पर नियुक्तियाँ होने जा रही है। अगर आप बीएसएससी सीजीएल या फिर आप इंटर लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि 5 जनवरी को, ठीक है, 5 जनवरी को मैं स्कॉलरशिप टेस्ट लेने जा रहा हूं। 5 जनवरी को स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं और फी में आपको 90% से लेकर 70% तक रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। और ये मात्र ये 30 स्टूडेंट्स को मिलेगा, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स को ऐसा मिलेगा। टॉप 10 को 90%
11 से 20 को 80% और फिर 21 से 30 को 70% फी में छूट मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जीएस आज तक का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर ही ये टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, तो आज ही इसे मतलब आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप समय रहते इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टेस्ट में भाग ले सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।